Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. Welcome to Saima's Cooking Secrets. Viewers, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त इमली की चटनी लेकर आई हूँ. ये बहुत ही मज़े की बनती है, मीठी चटनी होती है और ये समोसे, पकौड़े, दही भल्ले सबके साथ बहुत मज़े की लगती है. चटनी बनाने के लिए जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो मैं आपको दिखा देती हूँ. इसमें मैंने इमली 100 ग्राम ली है और चीनी इसमें 1/3 कप के बराबर ली है. और इसमें मैंने सुरख मिर्च 1/2 टीस्पून ली है और 1/4 टीस्पून मैंने ये कलर के लिए कश्मीरी मिर्च भी ली है. ज़ीरा कुटा और भुना हुआ ये 1 टीस्पून के बराबर है. नमक हसबे ज़रूरत आप डाल लें, मैंने 1/2 टीस्पून लिया है. इसी तरह ये जिंजर पाउडर भी 1 चुटकी भर के ली है और चाट मसाला मैंने 1 टीस्पून के बराबर लिया है. चलें अब जल्दी से इमली का पल्प तैयार कर लेते हैं. इमली के अंदर 1 कप मैंने गर्म पानी का डाला है. इसको अच्छी तरह सारी इमली को इसमें मिक्स कर लें पानी के साथ. हाथ से करती हूँ, ज़्यादा अच्छे तरह होगा. अच्छी तरह से इमली को मिक्स करना है और इसमें से गुठलियाँ निकाल देनी. ये मैंने अच्छी तरह इसको मसल लिया है. अब इसे पल्प को छान लेते हैं. थोड़ा सा पानी और डाल के इसको अच्छे से मसल लेंगे ताकि सारा पल्प नीचे चला जाए. पल्प सारा छान लिया है, अब मैं इसकी कुकिंग करूँगी. एक पैन लेके उसमें इमली का पल्प डाल लें. साथ ही इसमें तमाम स्पाइसेस डाल देंगे हम. चम्मच आपने साथ साथ चलाते जाना है ताकि चीनी नीचे ना लगे. चटनी अब ये बॉइलिंग पॉइंट पे आ गई है. अब मैं इसको 5 मिनट तक इसकी कुकिंग करूँगी ताकि चटनी गाढ़ी हो जाए. 5 से 6 मिनट हो गए हैं मुझे इसकी कुकिंग करते हुए. ये काफ़ी थिक हो गई है. इसकी कंसिस्टेंसी देख लें. इस तरह इसका आखिरी ड्रॉप जो है वो आहिस्ता आहिस्ता गिरे तो ये काफ़ी है. इसने ठंडे होके और गाढ़ा हो जाना है. बस अब आप फ्लेम बंद कर दें. इमली की मीठी चटनी तैयार है. अब मैं इसे डिश आउट कर लेती हूँ. अभी ये बहुत गर्म है, ठंडी होने के बाद ये और थिक हो जाएगी. ये देखें, इसकी इस तरह की थिकनेस होनी चाहिए, गाढ़ी गाढ़ी सी होनी चाहिए. बहुत ही मज़े की चटपटी चटनी तैयार है इमली की. रोज़ों के लिए ख़ास तोहफा ही समझें. आप इसको इस्तेमाल करेंगे, हर चीज़ के साथ आप यूज़ कर सकते हैं. समोसे, पकौड़े, दही भल्ले, बहुत मज़े की बन जाती है. और इस तरह बनाकर आप पूरा 1 महीना तक इसको फ्रिज में रख के यूज़ कर सकते हैं. किसी भी एयर टाइट जार में डाल लें, लेकिन ये ख्याल रखें कि उसमें कोई गीला चम्मच ना यूज़ करें. फिर ये पूरे मंथ तक आप इसको यूज़ कर सकते हैं. उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी. अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो आपने लाइक का बटन ज़रूर क्लिक करना है. और वो व्यूअर्स जो फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं, मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन क्लिक करें ताकि उनको मेरी इस तरह की अच्छी अच्छी रेसिपीज की नोटिफिकेशन मिलती रहे. बहुत जल्द फिर एक नई रेसिपी के साथ दोबारा मुलाकात होगी. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.